हेलो गाइस, अभी मैं जिस लोकेशन में हूँ उसका नाम है लोसर। लोसर गांव है जो कि सबसे पहले आता है जब आप मनाली से आते हैं स्पीति की ओर, और सबसे एंड में आएगा जब शिमला से आप आ रहे हैं स्पीति की ओर। ये गांव चारों ओर पहाड़ों से ढका हुआ है, और तभी यहां पे बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं। अभी भी यहां पे आप देख सकते हो बहुत तेज हवा चल रही है, और वो भी बड़ी ठंडी स्किन फाड़ने वाली यहां पे हवाएं चलती हैं। अभी तो धूप है तो हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन रात में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकते, इतना ठंडा यहाँ पे हो जाता है एनवायरनमेंट वेदर। और अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर 3-4 डिग्री के करीब है, जो कि रात में ये -7 तक चला गया था, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गया था यहाँ पे। पीछे आप पूरा देख सकते हो, सारे पहाड़ों में अभी भी बर्फ़ है। इस बार कह रहे हैं कि बर्फ़ कम पड़ी है, लेकिन तब भी अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी है, क्योंकि काफ़ी गर्मी के कारण जो पिछले कुछ दिनों में पड़ी है सारी बर्फ़ पिघल गई, और जो थोड़ी बहुत बची थी ऊपर, और पड़ी भी कम थी और पिघल भी गई, तो इनका ज़मीन सारा सूख गया था। फसल बीजने के लिए इनको फसल में पूरा पानी डालना पड़ा, क्योंकि इतना ज़मीन सूख गया था, ड्राई हो गया था, और इतना हार्श यहाँ पे वेदर है। और बाइक का अपडेट ये है कि इसकी जो चेन है काफ़ी लूज हो चुकी है, तो मैं लेके भी नहीं आया चाबियाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं स्पीति आऊँगा। और दूसरा ये है कि ये वाला जो है, ये यहाँ से बोल्ट था जो, ये टूट गया है, अंदर रह गया इसका एक हिस्सा और बाहर निकल गया, तो ये जो गार्ड है टैंक गार्ड, ये वन एंड पे लूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने पूछा चाबियों के लिए, पर पूरी चाबियाँ नहीं मिली, कुछ मिली, तो जिससे कि काम नहीं बनेगा। प्रॉपर चाबियाँ होगी तभी उसको खोल के बंद कर सकेंगे, नहीं तो खुला ही ना रह जाए, टाइट भी ना प्रॉपर हो, फिर क्या फ़ायदा। और ये जो मैं गिरा था उसकी निशानी है। नलका आया है आज काफ़ी टाइम के बाद, इसका मतलब आज मौसम गर्म है, थोड़ा गर्म है ना। अच्छा, वो कहीं यहाँ पे है पॉइंट लगाया हुआ है, तो बर्फ़ पिघलती है, वो वाला पानी ही नीचे की ओर जाता है नल वगैरह में, तो वो सारी पाइप जो भी छाई हुई है यहाँ तक भी छाई हुई है ग्लेशियर तक। 2 दिन के बाद बाकी थोड़ा देख लें कि बाइक चल भी रहा ना, एक साइड की बैटरी है कभी कभी धक्का दे देती है, तो स्टार्ट हो गया, थोड़ा गर्म होने दे रहा है उसको मैं।
तो यहाँ पे कल मैं पहुँचा था शाम को 5 बजे। कल राइड किया था मैंने टिंडी से लोसर तक, जो कि लगभग 190 किलोमीटर है, तो 11 घंटे की राइड थी, तो काफ़ी टायरिंग थी। तो यहाँ पे आके फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और टेम्परेचर भी यहाँ पे रात में काफ़ी ड्रॉप हो गया था, दो दो हीटर लगाने पड़े, -7 तक चला गया था टेम्परेचर। बहुत ठंड हो रही है बाहर यहाँ पे, अभी हवा तो कंटिन्यूसली चलती जा रही है, कभी हवा बंद नहीं होती यहाँ पे। अभी हमने अंगीठी भी चलाई हुई है और हीटर भी चलाया हुआ है, तो थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे अभी। और लाइट का भी थोड़ा इशू है, लाइट भी सर्दियों में यहाँ पे ऑन ऑफ रहती है, गर्मियों में ठीक रहती है, सर्दियों में थोड़ा सा ऑन ऑफ रहती है क्योंकि सप्लाई कहीं और से आती है। बाइक हो गया गरम, लगेज हो गया लोड, इसको कर दें लॉक। हम निकल रहे हैं लोसर से वाया कुंजुम और अभी हो गया टाइम 7:40, तो सब लगेज लोड है, बाइक गरम कर दी है और अब हम निकलेंगे यहाँ से। ठीक है फिर, बाय बाय बाय।